खाना है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग के अंदर। तो भैया आज बहुत ही दुख का दिन है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को। जो है तूफान आया था, मैंने कहा था कोई आ भी सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो तूफान तो नहीं आया, मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पानी वगैरह जो है पूरा भर चुका है, देख पा रहे हैं यहाँ पे सब बंद हुआ था, ये सब मैंने हटाया तब जाके अभी पानी जो है वो उस साइड नदी जैसा ये खेला पेड़ है। आप उस साइड देख पाओ तो ये पेड़ जो है वो सारे गिर चुके हैं, जो है पेड़ वगैरह गिर चुके हैं। तो चलिए आपको दरगाह के यहाँ देखिए, चल यहाँ आपको दिखाता हूँ कि भैया कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यहाँ से चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा पानी जो है वो भरा हुआ है। और आपको इस साइड में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ये रूम था, डेला बना हुआ था, उसके पत्रे वगैरह जो हैं वो सब उड़ गए हैं और यहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा गिरे हैं। चलिए मैं आपको अंदर के सब अंदर से सब कुछ दिखाता हूँ तो आप सब कुछ देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप तो पहले देखेंगे कि भैया झाड़ी की वजह से जो यहाँ से रास्ता था वो बंद हो चुका है, इसको हम कर लेते हैं बंद। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, चलिए चलिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पेड़ का जो है वो डाली वगैरह जो है वो गिर चुका है, कुछ पेड़ गिरे हुए हैं, कुछ नहीं गिरे हैं, कुछ की डालियाँ वगैरह टूटी है, ऐसा सब कुछ हुआ है। बाकी यहाँ दरगाह को कुछ भी नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो नीम का पेड़ था वो भी यहाँ पे गिर गया है। और आगे चलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। उस साइड आप देख पाएँ तो भैया जो आमली का पेड़ था वो गिर चुका है, यहाँ पे ये जो रेहान का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, वो थोड़ा सा हल्का सा झुक चुका है। और भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये तो अभी हमने जो है सफाई वगैरह कर दी, इसके हिसाब से ठीक ठाक जो है पेड़ वगैरह की डालियाँ उठा ली, इसलिए इतना आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये पेड़ पूरा जो है गिर गया है। और इसके बाजू वाला पेड़ जो है वो तो पूरा जो आप देखोगे कि तो एक तरफ जो है वो झुक गया है। बाकी उस साइड आप देख पा रहे हो तो यहाँ वहाँ मैं आपको चल के ही दिखा देता हूँ, चलिए वहाँ चलते हैं। और वहाँ से मैं आपको ये दिखाता हूँ कि भैया क्या हुआ है, आप देखिएगा खुद। ये जो नीम का पेड़ है वो थोड़ा सा हल्का सा जो है एक तरफा झुक गया है। और ये आप हालत देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम न्यास बनाते थे वहाँ का जो है ये छपरा है, तो इस साइड पेड़ कटा हुआ है, मतलब ये डालियाँ टूट गई हैं, उधर पेड़ बहुत सारे पेड़ जो हैं हवा में उड़ गए हैं। यहाँ देखिए इसकी जो है हालत क्या हुई है, जो यहाँ पे हम न्यास बनाया करते थे कभी कभी, गुरुवार को न्यास होता है यहाँ पे, आपको पता होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं सारे जो है पत्रे वगैरह सब टूट कर बिखर चुके हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी एक पेड़ का जो है डाली टूटा हुआ है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखानी है जो कि आपको वीडियो में बनने रहना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान आपको दिखाना है। तो यहाँ भी ये पेड़ वगैरह की डालियाँ हुए हैं वो टूटी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी के केबल को तोड़ दिया है, डाली जब गिरी तब इलेक्ट्रिसिटी का जो केबल था वो टूट गया है, तो वो सब हमको फिर से बनाना पड़ेगा। बाकी खारे के पूपर जो हैं वो भी टूट गए हैं और खारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गाँव की 80% जितनी खारे जो है वो गिर चुकी है या टूट चुकी है, ऐसे सब कुछ हुआ है। वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक पेड़ झुका हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ है कि ऊपर छत के ऊपर आपको एक सोलर जो हीटर था वो देखने को मिल रहा था, वो जो है यहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको हवा के झोंके ने इतना ज़बरदस्त उड़ाया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, कांच कांच पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये टंकी अभी बच गई है पर इसके अंदर भी थोड़ा बहुत डैमेज जो है वो आया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब जो डेल्टा का है सब कुछ बिखरा हुआ है, टूटा हुआ पड़ा हुआ है, वहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है, इस साइड भी और पेड़ गिरे हुए हैं, उसके आगे उस साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे भी जो है पेड़ गिरा हुआ है। कल तक तो मैं वहाँ पे था, यहाँ पे जो बाथरूम है उसके जो ऊपर पत्रे थे वो भी जो है वो टूट चुके हैं। तो चलिए वहाँ पर मैं आपको नहीं ले चलूँगा, पर यहाँ पर आपको दिखाऊँगा एक और चीज़ जो कि हमारे इधर बाजू का छेला जो है वो आ चुका है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यह अभी दूसरे दिन का है, पहले दिन तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसको हमने ठीक कर लिया। यहाँ पे ये छेला आया है वो थोड़ा कम दिख रहा है, जब आया तब बहुत ज़्यादा आया था। आपने देख लिया कि भैया कितना बहुत ज़्यादा जो है वो कोहराम मचाया था, इस तूफान नहीं था पर तूफान का असर था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। शहर में मैं गया
वहाँ जो है वो दवाइयाँ वगैरह मेरे को लेने के लिए जाना था वो पूरी हो गई थी, तो मैं वो लेने के लिए गया था तो पूरा शहर जो है वो कोहराम मचा हुआ था। शहर में जितने भी पेड़ वगैरह थे, ज़्यादातर बड़े बड़े पेड़ वगैरह पुराने पेड़ थे, वो सब गिर गए थे, और लाइट के जो खंभे वगैरह होते वो भी गिर गए थे, और कुछ कुछ दुकानों के जो है दुकान पूरे गिर गए थे, कुछ कुछ मतलब जो जो है केबिन जैसे दुकान होते हैं वो सब जो है वो गिर गए, पत्रे वगैरह बहुत सारे उड़ गए, हमारे जीरो पॉइंट पे भी ज़्यादातर लोगों के पत्रे वगैरह जो है वो उड़ गए थे। और आज की बात करूँ मतलब कल की, तो अगर मैं कल की बात करूँ तो मैं जो है वहाँ पे बैठा हुआ था और अपना टाइम पास कर रहा था, वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर अकेले में बात कर रहा था, एक वीडियो छोटा सा बनाया, मैंने अपलोड नहीं किया है, नेट ही नहीं चल रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये वीडियो भी आपको थोड़े दिन बाद मिलेगा जब नेट चलेगा तब, वहाँ पे बैठा हुआ था वीडियो वगैरह बनाया सबका। और कल जो है मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और वहाँ पे बैठे बैठे मज़े मार रहा था, पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है या बहुत कुछ हुआ। और सभी लोगों की दुआ करिए, कोई भी जानहानि नहीं हुई है ऐसा मेरे को पता चला कि कुछ लोगों को बस नुकसान हुआ, 15 से 16 लोगों को जो है वो जख्मी हुए हैं, बाकी तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है जो कि आपने खुद देख लिया। अब ये जो है टंकी भी फट गई है, ऊपर से जो है टूट गई है, ऊपर जो टंकी है ना उससे ये वाली टंकी जो है टूट गई है, और बाकी तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, कांच वगैरह से पड़ा हुआ है, और ये तो पूरा क्या खलास हो गया, बहुत नुकसान हुआ है। फिर मैं शहर में गया तो मैंने देखा कि हजरत शामरा शबह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे जो बड़ा सा नीम का पेड़ था, वो नीम का पेड़ जो है वो गिर चुका हुआ था, गिरा हुआ था, और शहर के अंदर भी बहुत सारा जो है पेड़ वगैरह गिरे हुए थे। तो यहाँ पे मैं गया और बहुत सारा मैंने सब कुछ देखा, पर मैं जो है उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।